क्योंकि बहुत ही आसानी से देखी जा सकती है किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कैसे है, क्या होता है, इस बात को समझते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली इसके अंदर हम यही कहते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, यही रिएक्शन होती है। तो ये ज्यादातर आपको आपको कहाँ दिखने को मिलेगी, एक एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल और फाइनली आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और आपके पास क्या होगा, एक H प्लस की फॉर्म में हाइड्रोजन निकल जाएगा इस पे से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, लिखिए, इन दिस रिएक्शंस रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल विच अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस लाइक मल्टी बॉन्ड स्पीशीज कौन हो सकता है, इन आइन या फिर बेंजीन, इस तरह की कोई भी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ये अटैक करेगा। तो ठीक है, हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है, हमारे पास कोई भी इस जगह इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या होगा, ये बेंजीन का ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे पास इस तरफ जाएगा तो यहां क्या चार्ज आएगा, माइनस, और यहां क्या आएगा, प्लस। और जैसे ही माइनस आया तो ई वहां पहुंच जाएगा, ई अपने आप में प्लस चार्ज भी रख सकता है। तो क्या होगा, यहां हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है, ई, क्या कहीं प्लस चार्ज रहेगा, हाँ इस तरफ प्लस चार्ज रहेगा क्योंकि ये पूरा इस तरफ गया है, तो माइनस इस तरफ और प्लस इस तरफ। और जैसे ही माइनस पहुंचा उसी समय क्या पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल भी पहुंच जाएगा। अब हमारे पास ये रहा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, अगले स्टेप में ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यानी हमारे पास एच है और ई है और यहां प्लस है। तो जब ये यहां शिफ्ट होगा तो एच को निकलना पड़ेगा और हमारा एक तरह से देखा जाए तो फाइनल कंपाउंड ये मिलेगा और एच प्लस अलग होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो हमारे पास रहेगा ये इंटरमीडिएट रहेगा, कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएट रहेगा। तो यहां हमारे पास अगर एनर्जी कर्व बनाए हम, फर्स्ट इसके लिए क्या बनाने की कोशिश करते हैं, एनर्जी कर्व। तो जब हम एनर्जी कर्व बनाएंगे तो दो स्टेप में आपको ये रिएक्शन होती हुई दिखाई दे रही है ना। तो जब ये रिएक्शन आपके पास दिखाई दे रही है तो कौन से स्टेप स्लो है, दो स्टेप में, और फर्स्ट स्टेप ही स्लो है। तो ये आपके रहेगा बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ये इंटरमीडिएट रहेगा आपके पास, प्लस चार्ज यहां पर है, ई यहां पर है, एच यहां पर है, और उसके बाद ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो रही है और फाइनली आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास फाइनली यहां देखने को दिख रहा है ई और एच अलग हो गया। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट। और अगर पहली स्टेप स्लो है तो इसका मतलब ये यहां पर किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा।
यानी कहीं ना कहीं हमारे लिए इस जगह रेट जो आ रही है प्रोपोर्शनल होगी सब्सटेंस पे भी और इलेक्ट्रोफाइल पे भी। बस ध्यान रखना, या ये तो रहा फर्स्ट, इसके अंदर ए पॉइंट रेट को डिसाइड करेगा। बी, रेट इस बात पे भी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इस बात पे भी डिपेंड करेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग पे डिपेंड करेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग किस बात पे डिपेंड करेगी? प्लस एम प्लस एच प्लस आई, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगी? माइनस एम माइनस एच माइनस आई। ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सी, रेट इस बात पे भी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ये दोनों बात पे डिपेंड करेगी। तो मैं समझ सकता हूं कि अब आपको आ गया होगा ये चीज समझने में कि रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी। और हम क्योंकि इस चीज को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कि अगर हमारे को अगर मेजो मालूम है तो आप आराम से और चीज को देख सकते हैं कि मेजो किस तरह से होता है इफेक्ट, क्योंकि मेन डोमिनेटिंग फैक्टर मेजो ही रहेगा यहाँ पर। तो फिलहाल मैं आपके साथ हूँ, और मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है ये एनर्जी कर्व और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूक्लियोफाइल तो इजीली बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती किसी के ऊपर भी नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल बनाना ऑर्गेनिक में थोड़ा मुश्किल है, आप को यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कई बार। इलेक्ट्रोफाइल बी आर माइनस बनाना आसान है, आप खुद सोचो बी आर प्लस बनाना आसान होगा क्या? नहीं ना। ओ एच माइनस बनाना पॉसिबल है, ओ एच प्लस बनाना पॉसिबल होगा क्या? नहीं ना। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है हमारे साथ कि हम प्लस कैसे बनाए। हमारे को तो प्लस के नाम पे सिर्फ एच प्लस मिलता है, हमें एनओ टू माइनस मिलता है, हमें एनओ टू प्लस कहाँ से लाएंगे हम? तो हमें प्लस बनाने के लिए स्पेशली इन रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती ही है। तो इसलिए यह पॉइंट भी हमारे लिए लिखना जरूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, और वो कैटलिस्ट जनरली लुइस एसिड्स होते हैं। तो ये भले ही इस पॉइंट से अलग है, हटके है, लेकिन बहुत ही इज्जत रखता है पॉइंट को। तो इस पॉइंट को लिखिए, इन अबव रिएक्शंस ये की पॉइंट लिखेंगे, सुनील लखोटिया पॉइंट। क्या है ये पॉइंट? इन अबव रिएक्शंस वी नीड इलेक्ट्रोफाइल, वी नीड इलेक्ट्रोफाइल। रिमेंबर दैट वी नीड ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? एंड वी नो दैट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट इजी वर्क, नॉट इजी वर्क। समझ में आ रहा है? आज आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना होता आप कुछ भी नहीं करते, आपको बहुत आसानी से एनायन बहुत सारे मिल जाते, क्योंकि सारे ही नॉन मेटल एनायन फॉर्म में रहना पसंद करते, लेकिन कैटायन में नहीं रहना पसंद करते। नॉट इजी वर्क, सो वी नीड ए सुइटेबल
कैटलिस्ट लाइक लुइस एसिड्स. ये लुइस एसिड्स कौन से? AlCl3, FeCl3 एक्सेस्ट्रा. ये सब लुइस एसिड हैं जो आपको जरूरत पड़ेंगे. तो आप इन सबको चीज को समझ लीजिए कि इनकी जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल आज अगर मेरे को Br- चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो मैं क्या ले लूंगा? KBr ले लूंगा, मुझे Br- आसानी से मिल जाएगा. लेकिन ये Br अपने आप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा. मुझे क्या चाहिए था? इलेक्ट्रोफाइल. तो अब मैं क्या लूंगा? Br2 लूंगा. लेकिन Br2 से Br+ और Br- मिले ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ. तो मैं क्या लिखूंगा? इसके साथ FeBr3 ले लिया मैंने, कोई भी लुइस एसिड. ठीक है, तो यहां पर मैंने FeBr2 ले लिया या Br3 ले लिया, तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा? कंडीशंस हो जाएगी. या AlCl3 ले लिया मैंने, तो ये हमारे पास अपने आप में लुइस एसिड है. कोई भी लुइस एसिड ले लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा? Br- और बाकी ये Fe के साथ अटैच हो जाएगा. सपोज यहां पर आपके पास Fe+2 ही ले लिया तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं. FeBr3 अपने आप में बन जाएगा या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कोई भी. तो ये हमारे पास Br+ आएगा और ये हमारे पास क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल. इसको लिखें 3 करें और हमारे साथ क्या होगा? हमें यहां पर फिर Br4 एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसी तरह से हम AlCl3 भी ले सकते हैं. अलग अलग जगह हम अलग अलग लुइस एसिड लेते हैं. ये एक तरह से लुइस एसिड है. बाद में क्या होता है? इसके बाद में ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है FeBr4-, आप जानते हैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, या तो ये sp3 होगा या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. ये बचे हुए निकलने वाले H+ के साथ क्या बना लेगा? HBr. और FeBr3 वापिस यूज हो जाएगा कहां? रिएक्शन में. कोई ज्यादा खास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हमारे पास वापिस कैटलिस्ट की तरह रीयूज होगा. लिखें इसको. तो ग्रुप 3 तरह से आप बोल सकते हो. फर्स्ट ये वो ग्रुप है सबसे पहली अगर हम बात करें ग्रुप की, इस तरह से इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करिए. और सबसे पहले वो ग्रुप है जो एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. पैरा डायरेक्टिंग. फिर दूसरा है डीएक्टिवेटिंग. लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा है. तीसरा है डीएक्टिवेटिंग. लेकिन ये कौन सा है? मेटा डायरेक्टिंग. किस में कौन सा आएगा उसको देखने. एक्टिवेटिंग, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, इनमें वो सारे ग्रुप आएंगे जो प्लस एम इफेक्ट रखते हैं. तो थोड़ा सा यहां लिखेंगे प्लस एम इफेक्ट. यहां क्या होगा? प्लस एम एंड माइनस आई, और माइनस आई डोमिनेट कर रहा है. लेकिन प्लस एम की वजह से ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, और ये है माइनस एम, और माइनस एम ही डोमिनेट कर रहा है. तो यहां हमारे पास जब प्लस एम और माइनस एम माइनस आई है, तो प्लस एम तो यहां पर डायरेक्शन को बताता है और ये डीएक्टिवेटिंग को बताता है. तो ये छोटा सा रह गया हमारे पास
अब यहां कौन से होंगे जो प्लस है में और हमारे पास ऑर्डर में है, तो मैं इन्हीं के एग्जाम्पल देखिए। सीधा सीधा सा लॉजिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम जब आ रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, और हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, हम उनको कैसे याद रखें कि कब रिएक्शन होगी कब नहीं होगी। तो मैंने बेसिकली क्लासिफाइड किया था तीन पार्ट में, एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थो पैरा फिर मेटा। प्लस है वो ग्रुप है ये वाले जो रिएक्शन को बहुत तेजी से कर देंगे, बहुत तेजी से, यानी हमारे पास जब भी प्लस है में तो हम आसानी से देख सकते हैं इस तरह के ग्रुप आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, और वो भी कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग में। ठीक है, तो जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में देंगे तो हमारे पास कौन से जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए दे रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास होंगे वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये हमारे पास हो रहे वो वेरी स्ट्रॉन्ग थे, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये हमारे पास है बस एक्टिवेटिंग ग्रुप नॉर्मल। ऐसा क्या कारण है कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है या स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू डोनेट लोन पेयर है, जैसे नाइट्रोजन की तो बहुत ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन की है तो वो आसानी से अपना लोन पेयर बेंजीन को प्रोवाइड कर देगा, या ओ माइनस ओ आर एन एच सी डबल ओ आर, यहां नाइट्रोजन क्या है उसका इंगेज यहां पर भी है लोन पेयर का, तो बेंजीन रिंग देना तो चाहता है लेकिन उतनी आसानी से वो नहीं देगा या उतना अमाउंट में वो नहीं देगा, क्योंकि उसका लोन पेयर इस तरफ भी कंज्यूम हो रहा है तो वो बेंजीन रिंग को देने की टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग हो जाएगा। या सुनो, यहां पर ऑक्सीजन के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि ये अगर नॉर्मल होता तो हो सकता है ये वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता, लेकिन इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में भी आना चाहता है और इस तरफ रेजोनेंस में भी जाना चाह रहा है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग से वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग हो जाएगा। ये आर है, आर में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच इफेक्ट। यहां पर एराइल यानी कि एक और फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक फिनाइल ग्रुप दूसरे को देता है, खत्म बात। तो एक जब दूसरे को देगा तो सामने वाले के लिए क्या रहेगा, वो एक्टिवेटिंग का काम करेगा। दूसरा CH और CH2 ये भी आराम से दे देगा, तो इस तरह से ये सारे हमारे लिए एक्टिवेटिंग हो गए लेकिन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में, तो देंगे तो सही, तो ये कहलाएंगे तो एक्टिवेटिंग और ये भी कहलाएंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। या सुनो, यानी अगर किसी बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को ही शो करेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला लेक्चर देख सकते हैं, मैंने पूरा समझाया वहां पर भी, ये वेरी स्ट्रॉन्ग ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो लिख सकते हैं वीक लिख लो या नॉर्मल लिख दो, बात एक ही है, नॉर्मल का मतलब भी नॉर्मल एक्टिवेटिंग। अब आती है बात डीएक्टिवेटिंग, और प्लस है माइनस है, इसमें हेलोजन आते हैं एफ सी एल बी आर आई CH2X CH2X2, ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है लेकिन कहलाते डीएक्टिवेटिंग भी है। देखिए NH2 अपने आप में स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ये NH3+ बन जाता है, तो जब ये NH3+ बन जाता है तो ये अब एक्टिवेटिंग ना होके क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग होता है। तो NH2 के लिए अगर आप जैसे ही कभी एसिडिक मीडियम कैटलिस्ट यूज कर लिया, जैसे AlCl3 कर लिया या कुछ भी यूज कर लिया, लुईस एसिड कर लिया या HCl HBr HNO3 कुछ भी आप रखते हो, तो फिर ये एक्टिवेटिंग नहीं होता, फिर ये क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि वो H प्लस या वो AlCl3 का जो एम डी ऑर्बिटल है उसमें अपना लोन पेयर देखे क्या हो जाता है, प्लस चार्ज गेन कर लेते हैं, और प्लस चार्ज होते ही फिर क्या होता है, इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। बस हम ये तभी एक्टिवेटिंग रहेगा जब कोई भी एसिडिक मीडियम ना हो, तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम है तो वो उसको उल्टा
डीएक्टिवेट कर देता है। तो यहां पर NH2 का बिहेवियर कुछ अलग हटकर है, इस चीज को समझना, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी हमारे पास इंतजार कर रहे हैं, ये सब डीएक्टिवेटिंग है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग एनओ सी एच ओ दिस, क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड है यही डीएक्टिवेट करने के काम आ रहा है। लेकिन हो ये रहा है कि ये पाई बॉन्ड इसके साथ भी एंगेज है, ओ आर आएगा यहाँ इसके साथ भी, तो ये इस तरफ इसका जो डीएक्टिवेटिंग नेचर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, बस स्ट्रांग होगा। तो बहुत ज्यादा कौन होगा, जैसे ये NO2, यहां तो पैदा ही बस सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, समझ में आ रहा है। इस कारण ये क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। तो ये सब स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। CN वाले को भी आप चाहो तो वेरी स्ट्रांग और स्ट्रांग कहीं पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। बाकी ये सब लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये पाई बॉन्ड इस तरफ भी इन्वॉल्व है, इस तरफ भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम कहाँ रख रहे हैं, मॉडरेट टाइप में या स्ट्रांग में, ठीक है, वेरी स्ट्रांग में तो नहीं रख सकते। तो ये एक टेबल है जो आपके लिए काम आएगी। अब कुछ और पॉइंट हैं जो लिखाने, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से बता देते हैं कि उसके कौन सी डायरेक्शन में लगाना है। लेकिन जब एक से ज्यादा ग्रुप होंगे, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग या दोनों डीएक्टिवेटिंग या दोनों एक्टिवेटिंग, तो हमें कुछ पॉइंट्स में थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो यही चीज मैंने बताने की कोशिश की, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स इन डिस सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। तो किस तरह से आ रहा है, इफ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग बोथ आर प्रेजेंट इन सिस्टम देन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिटरमाइंड बाय एक्टिवेटिंग। ऑब्वियसली जब हीरो और विलेन दोनों, तो हीरोइन किसको मिलेगी, हीरो को मिलेगी, समझ में आ रहा है। इफ बोथ ग्रुप प्रेजेंट इन द सिस्टम आर डीएक्टिवेटिंग देन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिटरमाइंड बाय स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग। अगर दोनों ही आपके डीएक्टिवेटिंग है तो कौन डिसाइड करेगा, जो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है वो डिसाइड करेगा, उससे भागेगी, उसकी मेटा पोजिशन पर लगाएगी। तो यानी कि दो ग्रुप है और दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है, तो जो स्ट्रॉन्गर है उसकी मेटा पोजिशन पर आप लगा देना। कुछ समझ में आया, पक्का? और जब आसान भाषा में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो अपनी। और जब दोनों ही एक्टिवेटिंग है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है उसकी पेरा पोजिशन पर लगा देना, मेटा और उसकी ऑर्थो एंड पेरा। लेकिन पेरा में क्या होता है, रिपल्शन कम होता है, दूर होता है, तो पेरा पोजीशन पे ज्यादा मेजर रहेगा। इफ बोथ ग्रुप, अगर एक एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, तो मैंने बता ही दिया एक्टिवेटिंग है डिसाइड करेगा, उसकी ऑर्थो और पेरा में पेरा को ज्यादा प्रायोरिटी देना, फिर ऑर्थो को देना, फिर मेटा को देना। इफ बोथ द ग्रुप आर एक्टिवेटिंग, अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग है ग्रुप, देन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिटरमाइंड स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग। वो तो मैं बता ही चुका हूं, दोनों है तो स्ट्रॉन्गर के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करेंगे। देर इज ऑफन लिटिल सब्स्टिट्यूएंट्स बिटवीन टू ग्रुप दैट मेटा ऑफ टू ईच अदर। देखो यार, कई बार क्या होता है, ऐसा भी देखा गया है कि दो ग्रुप है आपके पास, बल्कि ग्रुप है, तो दिक्कत पैदा कर देते हैं कि उनके बीच में क्या है, बल्कि नेस होने की वजह से बीच में सब्स्टिट्यूशन क्या होने की कोशिश होती है, कम होने की कोशिश होती है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स, हमारे पास ये भी हो रहा है, लेकिन फिर भी होता है। इसको अच्छे से समझाएगा ये एग्जांपल। मेरे पास एक ग्रुप है क्लोरीन ब्रोमीन, दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग में कौन से डायरेक्शनल है, मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थोपेरा, ऑर्थोपेरा। हेलोजन को मैंने ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग बोला है। अब NO2 प्लस आ रहा है तो ये डीएक्टिवेटिंग लेकिन है ऑर्थोपेरा। तो अब आप ये देखिए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा कौन सा होगा। मैंने ये देखा कि क्लोरीन और ब्रोमीन में डोमिनेटिंग क्लोरीन करेगा। कौन करेगा डोमिनेटिंग, क्लोरीन। क्यों, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों ही डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन यहां पर प्लस एम का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके लिए, फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो क्लोरीन डिसाइड करेगा, और क्लोरीन की कौन सी पोजिशन पर लगाओगे आप, पैरा, तो वो सबसे ज्यादा परसेंटेज उसकी होगी। सिर्फ सेकेंड नंबर पे आएगा बीआर के पेरा पोजीशन पे, पक्का, कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड हमारे पास रहेगा यार दोनों की ऑर्थो पोजीशन ये वाली, ये क्या है, स्टेरिक इंडेंस बहुत ज्यादा है, यहां पर
अगर स्टेरिक इंडेंस नहीं होता तो बात अलग होती, लेकिन होगा ही ये, तो ऐसा तो है नहीं, नहीं होगा। तो ये वाली परसेंटेज 1%, यानी आप देखो 62, 37, 1% मैक्सिमम यही बन जाएगा। बाकी आप सोच रहे होंगे कि सर यहां नहीं लगाया, जो कि दोनों की मेटा पोजिशन है, 0.01% क्या लिखना, ठीक है ना? तो यहां हमारे पास राउंड फिगर में लिखा है मैंने कि ये है कहां पर बेटा, सबसे ज्यादा रिपल्शन कब होगा, दोनों के बीच में। तो ये हमारे पास रहा पॉइंट्स। इन पॉइंट्स की सहायता से तो हम सारे बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं, एग्जांपल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एग्जांपल ऐसे बनाया, देखो मैं एग्जांपल लिए जा रहा हूं, मैंने लिया सबसे पहले यहां पर ले लिया देखो OH, तो बताओ इसकी कौन सी डायरेक्शन में आएगा, कोई भी ग्रुप, सिंगल OH है ये, ऑर्थोपेरा, तो OH हो सकता है, OCH3 हो सकता है, सेम रहेगा, बोलो सेम रहेगा या नहीं रहेगा। तो हम क्या इस तरह के एग्जांपल की प्रैक्टिस करना चाहेंगे, कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। तो चलिए पहले तो ये लिखिए, ये तो पढ़ लिया था कि कहां हमारे को ग्रुप लगाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट आपके पास क्या रहेगा इस जगह इलेक्ट्रोफिलिक के लिए। देखिए बेंजीन दोनों तरह की रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। तो लिखिए यहां फर्स्ट पॉइंट यही है, बेंजीन शो बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस, बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस इलेक्ट्रो फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बट टेंडेंसी टू शो सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस इज वेरी वेरी हाई, वेरी हाई बिकॉज इन दिस रिएक्शंस एरोमेटिसिटी मेंटेन। देखिए ये आपके पास है कोई भी लिविंग ग्रुप मान लीजिए या हाइड्रोजन ही मान लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया, हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल आया, ये तो कहलाएगा आपके लिए एक तरह से, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर ये कोई HE आया, या इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी आता है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए ई और न्यूक्लियोफाइल भी हो रहा है, और यहां पर ये बॉन्ड टूट गया पाई वाला, एक जगह ई और एक तरफ NU जोड़ गया है, तो इसमें एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, एरोमेटिसिटी है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हाई क्वांटिटी वेरी लेस क्वांटिटी, वेरी लेस क्वांटिटी में रहे या नहीं होगा, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी टूटना इतना आसान नहीं है, ये आपके पास रहा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन बेंजीन,
नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन बेंजीन, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन और कंपाउंड जो भी है, बेंजीन ही हो जरूरी नहीं है, और कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन है फिर हमने क्या ले लिया, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, हम कुछ भी इस तरह का ले लेते हैं, तो बताइए इन सब में रिएक्टिविटी कैसे ज्यादा होगी, जल्दी बताइए। तो ये हमारे पास रहेगा, बताइए किसमें सबसे ज्यादा रहेगी रिएक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिएक्टिविटी यहां ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ये जो एक बेंजीन रिंग है वो दूसरे को क्या देती है, सपोर्ट करती है, किसका, प्लस एम का। तो यहां ये लिख लीजिए, जिससे इस रिंग में क्या होगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहां पर, वन रिंग गिव्स प्लस एम इफेक्ट टू अदर, सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर यही चीज इस तरह से होती तो भी ये ज्यादा होता, समझ में आ रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, इसमें एक प्लस एम को दे रहा है, इसकी वजह से इस पे प्लस एम आएगा, जब इसकी वजह से इसमें प्लस एम आएगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पक्का। और अगर हम बात करते हैं इसमें, किसमें बेटा, ये वाला और ये वाला, तो फिर इसको हम ज्यादा डोमिनेट मानेंगे इंडिविजुअल रिंग्स को, ये ज्यादा होगा बेटा, ये इससे भी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी तो एरोमेटिसिटी, एनर्जी तो टूट ही नहीं रही है सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन तो कोई हो नहीं, मतलब सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिसिटी तो कोई रुक नहीं रही है। कुल मिला के आपको ये देखना है प्लस एम किसमें ज्यादा हो रहा है, मोर प्लस एम मोर रिएक्टिविटी। अब इन दोनों में देखिए किसमें ज्यादा होगा, आप ही बताइए। यहां सब्स्टिट्यूशन होगा पक्का, सब्स्टिट्यूशन किस पे होगा, सोच के देखो, सब्स्टिट्यूशन किस पे होगा, नाइट्रोजन पे नहीं होगा, हाइड्रोजन वाले, इस हाइड्रोजन का या इस हाइड्रोजन का या इस कार्बन से रिलेटेड हाइड्रोजन का होगा, बोलो यस और नो, हाँ या ना, क्लियर है, पक्का। तो अब बताइए इसमें किसका आंसर ज्यादा होगा, चलो तुम्हारे आंसर में थोड़ा सा शेयर कर लेता हूं, ये भी डाल देते हैं, अगर आपने ये डाल दिया तो अब मेरे को बताइए क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है, तो इसकी वजह से यहां नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, पक्का, इसकी वजह से क्या लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है, तो इसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट है या नहीं है, कार्बन पे माइनस आई इफेक्ट है या नहीं है, है? तो यहां पर इसके ऊपर रिंग में क्या चार्ज होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन यहां पर नेगेटिव चार्ज, पक्का, और यहां पर कोई चार्ज नहीं है, अप्रोक्सीमेट जीरो, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तो है ही, उसके अलावा क्या चार्ज है। तो अब बताइए सबसे ज्यादा किसके ऊपर होगा, लास्ट, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन पे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे देख लो हमेशा क्या चार्ज रहेगा, हमेशा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव, और सब्स्टिट्यूशन किस पे देखने को मिलेगा, कार्बन वाले पे। तो ऐसे आपको देखना है, आपका क्वेश्चन अच्छा है कि अगर कार्बन पे होगा तो इन चारों कार्बन पे किस में होगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक दो तीन चार, फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे रहेगी। तो बेटा ये वाला जब नाइट्रोजन इस तरफ आएगा तो ये कार्ब इस तरफ जाएगा, आपने सही पकड़ा, इस तरफ जाएगा या नहीं जाएगा,
इस तरफ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और नाइट्रोजन पे क्या होगा, यहां प्लस होगा, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां ज्यादा रिएक्टिविटी होगी या यहां? इसका आंसर इतनी आसानी से नहीं देंगे जब तक कि पूरा रेजोनेटिंग नहीं बनाएंगे। श्योर लॉक कर दे तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं इसकी। लेकिन अभी तो आइडिया ये कि सबसे ज्यादा ये यानी अगर इसको ए बी सी की बात करें तो सबसे ज्यादा सी, फिर ए और फिर सबसे कम बी रिएक्टिविटी। अब और भी हमारे पास पॉइंट्स है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, एक बार उसको देखते हैं कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इसके ऑर्थो पोजीशन पे होगा नाइट्रोजन के या मेटा, क्योंकि यहां तो पेरा है ही नहीं, ये क्या कहलाएगा? एक तरह से देखा जाए तो ये ऑर्थो बोल दो या कुछ भी बोल दो, ये इसकी कौन सी पोजीशन कहलाएगी? इसके लिए तो फर्स्ट और ये सेकंड, या ऑर्थो पेरा मेटा जो अपन यूज करते हैं, ऑर्थो मेटा पेरा वो तो बेंजीन के लिए यूज करते हैं, ये इसके लिए अल्फा बीटा बोल दो, ये अल्फा और ये बीटा। तो आप में से बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी, यहां नाइट्रोजन है, ये इसका पॉइंट है। अब देखना रेजोनेंस हुआ, इसने अपना लोन पेयर यहां दिया, नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, और साइमल्टेनियसली यहां चला गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा यहां पर, जल्दी से बोलो, प्लस बोलो, यस और नो। दूसरे में क्या होगा, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, प्लस माइनस, कोई दिक्कत आई आपको समझने में? तीसरे में क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, नेक्स्ट चौथे में क्या होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, फोर्थ स्ट्रक्चर, ये यहां माइनस आया, ये यहां आया और ये यहां। After that, what we get, this negative charge come on this position and simultaneously that pi bond become again lone pair and this plus neutralized by neutral charge. Yes or no? So now finally what we get, this and nitrogen become neutral. So in all this structure what you find? That negative charge present on all four carbon, this one, this one, this one, and I think आपको सभी जगह मिल गया, इस carbon पे मिल चुका है, यहां पर इस carbon पे मिल चुका है, आपको इस carbon पे यहां मिल चुका है, और एक दो तीन चार करके आपको सभी carbon पे मिल चुका है, yes or no? तो सबसे ज्यादा stable structure कौन सी होगी, जल्दी से बताओ, ये चारों ही बराबर होगी या कोई फर्क पड़ेगा इनमें? कुछ फर्क तो पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कहां होगा? यहां पर, क्योंकि पॉजिटिव के सबसे ज्यादा पास है, तो रिएक्टिविटी किस जगह सबसे ज्यादा होगी? अल्फा पोजीशन पे। हम क्या सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा तो यहां अटैक करेगा, नहीं, ये कहां अटैक करेगा? अल्फा पोजीशन पे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो रिएक्टिविटी वहां सबसे ज्यादा फास्ट होती है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी कौन सी ज्यादा होगी, तो आपका आंसर होगा ये वाली पोजीशन पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर नंबर वन और ये टू में, तो वन पे ज्यादा होगी और टू पे ये। कुछ समझ में आया? तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाया कि कैसे हम एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। लिखिए जल्दी से। देखिए जब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर में, चार्ज डेंसिटी में, तो हमारे को ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो रहा है, इफेक्ट ऑफ ग्रुप भी। यदि पहले से कोई ग्रुप है बेंजीन नहीं होके उसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है तो उसको हम कैसे देखते हैं?
तो चलिए उसी को देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बेंजीन पे सिंगल ग्रुप अटैच्ड है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिंगल ग्रुप अटैच्ड है, फिर मैं मल्टीपल लूंगा। सपोज बेंजीन पर सिंगल ग्रुप अटैच है, इफेक्ट ऑफ ग्रुप, केस वन, अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है लाइक दिस, सी एच ओ ले लिया मैंने और एक मैंने ले लिया ओ सी एच थ्री और एक मैंने ले लिया बेंजीन, ये एग्जाम्पल के साथ है। तब आप ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है, प्लस एम या माइनस एम? बिल्कुल सही है, ये माइनस एम ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? और यहां तो कोई ग्रुप है ही नहीं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा? वन टू थ्री में, वन टू थ्री में, जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा होगा टू, फिर थ्री और फिर वन, क्योंकि जैसे ही प्लस एम आएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा प्लस एम, फिर ये और फिर ये, कोई डाउट नहीं है। और अगर एक और ग्रुप अटैच कर दिया जाए जो सी एस थ्री है, तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर भी आ जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एच, प्लस एच एक तरह से देखा जाए तो टू से, टू के बाद फोर आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस एम को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद प्लस एच, समझ में आ रही है बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक और बढ़ा दिया जाए सी सी एल थ्री, तो इसको स्ट्रॉन्ग माइनस आई बोल दो या माइनस एच भी आ सकता है। तो जब ये माइनस एच होगा, लेकिन माइनस एम तो नहीं होगा, तो यहां पर फाइव आएगा और फिर आएगा वन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? तो ऐसे ही एक और एग्जांपल आपका इंतजार कर रहा है, जो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और बेंजीन रिंग, तो बताइए इनमें कंपेयर करो, वन टू थ्री फोर फाइव, जल्दी से बताइए किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी? ये सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, सारे डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होते हैं, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जनरली डीएक्टिवेटिंग के साथ मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सबसे ज्यादा फाइव, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, ऐसा इसलिए कि ये सारे डीएक्टिवेटिंग है। लेकिन एक्टिव ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के पीछे क्या लॉजिक था? कि कहीं ना कहीं ये प्लस एम भी शो कर रहे हैं। तो जब हम इनका आपस में कंपेयर करते हैं तो प्लस एम से करते हैं, और जब बेंजीन के साथ करते हैं तो डीएक्टिवेटिंग मानते हैं, समझ में आ रहा है? यानी इनके लिए माइनस आई इफेक्ट लगभग लगभग बराबर है, आ रही है बात समझ में? तो बराबर ही तो लिया है, तो फिर आंसर किससे कंपेयर करोगे? माइनस आई तो सबका लगभग लगभग बराबर है, लेकिन प्लस एम तो इसका सबसे ज्यादा है, प्लस एम इसका, उसके बाद है, फिर इसके बाद है, फिर इसके बाद है, यस और नो? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल है, आपसे गलती हो रही है, पहले भी मैं करा चुका हूं लेकिन आपसे बार बार गलती होती है, इसका ध्यान रखें। तो ये डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन आपस में कंपेयर करते वक्त इनमें प्लस एम देखा जाता है, तो लिखेंगे ऑल अबाउ आर डीएक्टिवेटिंग रेस्पेक्ट बेंजीन बट when compare individually then gives answer on basis of plus m,
प्लस एम ग्रुप। ये अक्सर बच्चे गलत करते हैं, तो इसका ध्यान देंगे आप सब, करिए इसको। प्रत्येक कंपेयर रिएक्टिविटी, कुछ एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर करे, कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बताइए यहां पर सबसे ज्यादा कौन देगा, ये कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस एम, ये माइनस आई, माइनस आई, जब बेंजीन के रिंग के कंपेयर में करेंगे तो माइनस आई, कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस एच, प्लस एच। तो सबसे ज्यादा कौन देगा, ए, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद सी, और सबसे कम बी। ये आपका आंसर रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, बस तो लिखें इसको। दूसरी तरफ अगर आपकी बात करें सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर NH2NH ये वाला, तो हमारे लिए यहां पर क्या है, प्लस है, ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है मैं, लेकिन छोटा वाला वो बड़ा वाला है, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में है। NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई, माइनस एम, स्ट्रॉन्ग माइनस एम, कुछ भी नहीं है, प्लस एच। तो सबसे ज्यादा कौन रहेगा, ए, इसका आंसर रहेगा ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ई, फिर डी, और फिर सी, सी सबसे ज्यादा, सी माइनस एम है, ठीक है। तो आंसर आएगा ए बी ई डी सी, क्लियर है। इधर देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, तो तीन थ्री अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास दो अल्फा है, इसके पास एक अल्फा है, इसके पास जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब जीरो अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सबसे कम होगा, यहां सिर्फ इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा ए बी सी डी, क्लियर है। यहां ए बी, हां बेटा बिल्कुल, अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे भी आपके लिए सबसे अच्छा तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डायरेक्ट शो करना है। क्या ये प्लस एम है, क्या ये प्लस एम है, लेकिन छोटा वाला, ये थोड़ा बड़ा है, क्या ये प्लस एम है, नहीं ये माइनस एम है, छोटा वाला ये बड़ा वाला है, क्योंकि छोटा और बड़ा कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि इसका ये पाई बॉन्ड इधर भी है, तो इस तरफ छीनने की टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस तरफ ये इधर रेजोनेंस में, तो इस तरफ देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा ए, धीरे धीरे बोलो, ए के बाद बी, फिर सी, और फिर डी, बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देख लो, नाइट्रोजन प्लस एम है या नहीं है, ए, लेकिन इसका प्लस एम छोटा वाला है, इसका बड़ा वाला है, और ये माइनस एम है, सबसे ज्यादा ए, फिर बी, और फिर सी, क्लियर रखिए आप। अब इधर देखिए, इधर क्या होगा, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन सब में देख लो आप, अल्फा हाइड्रोजन जैसे भी आप देख सकते हो, एक तो वो रीजन हो गया, दूसरा ये अपने आप में प्लस एच है, प्लस एच, ये भी प्लस एच है, 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 और इसमें प्लस एच तीन है, तो सबसे ज्यादा होगा डी। फिर अब इन दोनों में लड़ाई रहेगी, लेकिन इसके लिए प्लस एच इस वाली पोजीशन पे भी है और इस वाली पोजीशन पे भी है, जबकि ये क्या है, जिसके लिए ये दे रहा है उसके लिए ये नहीं दे रहा, जिसके लिए वो दे रहा है इसके लिए ये नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है। इसकी ऑर्थो पोजीशन, इसकी ऑर्थो पोजीशन उसके लिए मेटा पोजीशन है, तो आप लिखेंगे इसकी ऑर्थो पोजीशन उसके लिए मेटा पोजीशन है, तो फिर आएगा बी, और फिर आएगा सी, और फिर आएगा ए। इसी तरह यहां पर इन दोनों के लिए ऑर्थो पोजीशन सेम है, तो दोनों की वजह से यहां पर माइनस माइनस चार्ज आएगा, जबकि यहां क्या आएगा, इसकी वजह से यहां आएगा और इसकी वजह से यहां आएगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, हो गया, हमें यहां पर बताना है आइडेंटिफाई द पोजिशन वेयर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR टेक प्लेस। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी एक तरह से ESR का ही एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बस एरोमेटिक में इसलिए इसको ESR बोल रहे हैं।
तो बताइए OH और CH3 में कौन डोमिनेट करेगा? OH, OH डिसाइड करेगा, क्यों? क्योंकि OH क्या है, प्लस एम इफेक्ट है, तो ये प्लस एम है, ये प्लस एच है, तो डोमिनेट कौन करेगा? ये, तो इससे इसकी ऑर्थो और पेरा, पेरा तो लॉक्ड है ऑलरेडी, कुछ और है तो कौन किस जगह आएगा? इस जगह आ जाएगा, ये दो पोजीशन हमारे पास कम आएगी पक्का। यहां पर ये हमारे लिए प्लस एच है और ये प्लस एम है, ये प्लस एम है, तो इसकी पेरा और ऑर्थो देखना पड़ेगा, तो इसकी हमारे पास ऑर्थो तो ये आएगी और पेरा ये आएगी, ऑर्थो मेटा पेरा, और ये दो लॉजिक हमें पसंद आएगा, लेकिन मैं इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगा इन दोनों में भी, क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेरिक रिपल्शन, तो यहां हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, इसका मेटा कोई काम ही नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए भी ऑर्थो और पेरा प्लस एच ही है, तो यहां मैं इसी को लूंगा। अब ये इस तरफ माइनस एम है और इस तरफ प्लस एम है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेकिन ये भी हमारे पास होगी और नीचे वाला भी होगा, तो ऑल एक्सपेक्टेड पोजीशन हमारे पास ये रह गई। अब यहां ओ माइनस ज्यादा डोमिनेट करेगा क्योंकि ये प्लस एम ज्यादा है, तो मेरे लिए ये वाली पोजीशन जाएगी इसकी, इसकी ओर तो क्लियर है, NH2 भी प्लस एम है लेकिन ओ माइनस बड़ा प्लस एम है क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा डोमिनेट करता है न्यूट्रल पे। अब देखिए यहां पर ये लोन पेयर डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो ये डिसाइड करेगा प्लस एम है, ये माइनस एम हो गया है, तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन या पेरा पोजीशन, तो मेरे लिए यहां पर हो सकता है, यहां हो सकता है, इसके लिए यहां हो सकता है, तीनों हमारे लिए हो सकती है, इसकी ऑर्थो एंड मेजर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसकी ये वाली पोजीशन लूंगा, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा और ये भी हो सकता है, ये दोनों हमारे पास होगा, लेकिन ठीक है ये दोनों हमारे लिए हो सकता है, लेकिन जो प्लस एम है उसकी पेरा पोजीशन ज्यादा डोमिनेट करती है। आगे इस जगह अगर हम बात करें तो यहां OCH3 प्लस एम है, ये दोनों हमारे लिए डोमिनेट करेगी, इसकी पेरा गायब है, हमें इसकी ऑर्थो पकड़नी पड़ेगी। यहां अगर हम बात करें तो ये डोमिनेट करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन देखोगे आप, यहां ये प्लस एम है तो नाइट्रोजन प्लस एम दे रहा है, तो ये हमारे पास डोमिनेट करेगी। यहां हमारे पास ये प्लस एम है तो सेम आएगा, हमारे पास ये दोनों जाएंगे और यहां पर जाएगा, इसकी ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन। यहां हमारे पास COOH अपने आप में माइनस एम ग्रुप है और Cl- Ia प्लस एम, तो मेरे लिए इससे ये दोनों जाएंगे क्योंकि ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग तो होता है क्लोरीन। यहां हमारे पास ऑक्सीजन है प्लस एम होता है, तो ये वाला ये वाली पोजीशन इसके लिए रहेगी, इसका ऑर्थो मेटा पेरा, हाँ ये हमारे पास जाएगा। यहां हमारे पास इसकी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन देखने को मिलेगी। CH3 अपने आप में, CH3 अपने आप में 3 अल्फा है, बाकी और के अल्फा इतने ज्यादा नहीं है, तो हम इसी से डिसाइड करेंगे। ये भी प्लस है, वही अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास भी 2, तो ये भी प्लस है, 6 लगाएगा लेकिन कम लगाएगा, इस तरफ डोमिनेट ये रहेगा, तो इसका आंसर ये पोजीशन और कुछ हद तक इसकी पेरा पोजीशन भी रहेगी, पेरा ज्यादा रहेगी, कुछ हद तक नहीं, सबसे ज्यादा तो पेरा ही रहेगा डोमिनेट। यहां प्लस एम इसका लगेगा, इसका लगेगा, तो ये दोनों और ये, यहां दोनों ही जगह माइनस एम ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन रहेगा, मेटा पोजीशन ये दोनों रिंग पे बराबर जाएगा, ये चारों आइडेंटिकल रहेगी इसकी मेटा पोजीशन। तो इस तरह से 15 एग्जाम्पल हो गए, करिए इसको। कोई डाउट है किसी का? प्लस एम और ऑब्वियसली ये तो हमने लिखा ही है पॉइंट, प्लस एम हमेशा कहाँ रहेगा? ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होता है,
पेरा डाइसाइड होगा, ज्यादातर पेरा ही डोमिनेट करता है, क्यों? क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। कुछ रेयर केस में ऑर्थो डोमिनेट कर जाता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाए। नाइन्थ के अंदर अगर हम बात करें तो ये पैरा ज्यादा होगा, यही डिसाइड करेगा। हमेशा स्टेरिक, आप जब भी एक से ज्यादा ग्रुप हो स्टेरिक को आपको देखना हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये देखा जाए जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो डोनर ग्रुप है प्लस एम है उसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या है, उसके रेस्पेक्ट में आप ऑर्थो लगाने की कोशिश करो। जनरली वो डोमिनेट कर जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसके ऑर्थो वाला भी हो जाता है पेरा की जगह। यहां तो पेरा में डोमिनेट ज्यादा बोल रहा हूं, वो तब होता है जब ईएसआर जो ग्रुप आ रहा है ईएसआर रिएक्शन में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना ले। तो कई बार ऑर्थो और पेरा में इस बात की भी लड़ाई हो जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो ग्रुप देख के पता चलेगा। तो इसलिए अभी तो हम दोनों को ही टिक करते हैं, ऑर्थो एंड पेरा। अरे यार इलेक्ट्रोफाइल में क्या है इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा, वो ओएच ग्रुप है तो वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा तो वो खत्म बात, तो इस बात पे डिपेंड है। अगर ओएच नहीं है उसके अंदर तो फिर देखेंगे अपन क्या है उसके अंदर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, तो कभी ऑर्थो जीत जाएगा कभी पेरा। जनरली पेरा ज्यादा डोमिनेट करता है इसलिए मैंने पेरा लिख दिया है। ठीक है, और कोई डाउट? वापिस आते हैं कुछ छोटे से पॉइंट्स पे। देखिए यहां अगर हम बात करते हैं, यहां पर भी वही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोजीशंस वेयर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आप ही बताइए, ये ऑक्सीजन है, यहां पर भी है ऑक्सीजन है, तो अब इसकी वजह से कहाँ आएगा आपके पास ज्यादा प्लस एम? इसमें ज्यादा प्लस इसमें है, तो अब दिक्कत क्या आ रही है कि या आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये चारों हमारे पास आ सकते हैं पक्का, लेकिन इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर भी है और इधर भी है। तो अब आप ही बताइए जल्दी से किस में होगा? यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये प्लस एम दे रहा है और ये भी प्लस एम दे रहा है। ठीक है, तो एक बार और डायरेक्ट जल्दी जल्दी देख लीजिए, इसकी वजह से दोनों तरफ प्लस एम होगा क्योंकि इसका लोन पेयर इधर भी होगा इधर भी होगा, जबकि इसका इस तरफ ही होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा? इसकी वजह से डिसाइड करेंगे हम और यहां लेंगे। इसमें ये है हमारे लिए डोमिनेटिंग, तो यहां और यहां इसकी ऑर्थो और पेरा, इसमें ये डिसाइड करेगा ऑर्थो पेरा, ये एक दूसरे के लिए प्लस एम का रिफ्लेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 ये दोनों चारों ही इक्वल हो जाएगा, जबकि यहाँ बीच वाला ये दोनों तरफ से ऑर्थो होगा और यहाँ पर ये दो इस ये वाली पोजीशन इसके लिए ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन इसके लिए ऑर्थो है, तो इसलिए चारों बराबर रहेगी। तो ये कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए हो गए। ठीक है,